Hello guys, it's me Umbre from Chepe. So my YouTube channel name is Umbre Chepe. So आज मैं बताने वाली हूँ रे के बारे में, क्योंकि मेरे दीदी और जीजू के पर्सनल रे फेस्टिवल होने वाला है. मैं उसके लिए थोड़ा समझाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते. हमारा कम्युनिटी से जो भी है वो लोग जानते हैं, लेकिन और मेरा सब्सक्राइबर जो दार्जिलिंग से है, वेलूर से है और तमिलनाडु से है और आंध्र प्रदेश से है, वो लोग का रिक्वेस्ट है स्पेशली आई एम मेकिंग फॉर यू गाइस. सो रे जो है इसलिए एक हस्बैंड वाइफ जो है मिलके बनाया जाता है. पहले तो कोई के बिना वाइफ का भी जो रे सेलिब्रेट करते हैं, तो रे में हस्बैंड और वाइफ जो एक अपने रिलेटिव्स को इन्विटेशन कर देते हैं, तो उसके थ्रू ही उसको बुलाया जाता है. जैसे आप उसकी फादर मादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडमादर, जितना भी है ना, सबको बुलाया जाता है और उसमें पार्टी किया जाता है. सारे सक्रिफाइसेस किया जाता है. जैसे मिथुन मतलब स्टेट एनिमल ओवर अरुणाचल प्रदेश, यू कैन सर्च इन यूट्यूब स्टेट एनिमल ओवर अरुणाचल प्रदेश. वो बहुत ही अहमियत है, चाहे रे हो या शादी हो, कुछ भी हो, तो उसको और जितना पीक हो गया उल्लू को ही सक्रिफाइस उसको काट कर खाया जाता है. और रे का अलग अलग डे का अलग अलग नाम होता है. जैसे फर्स्ट डे को अनरूपू बोला जाता है, सेकेंड डे एनी, थर्ड डे ईनी, फोर्थ डे अरुगो, फिफ्थ डे एतोनु. तो अलग अलग दिन का कुछ अलग अलग नियम होता है, लेकिन हम कुछ इतना ब्रीफली नहीं जानते हैं. तो जैसे फर्स्ट डे अनरूपू को एक प्रीस्ट आता है, लगे पुजारी टाइप का हमारा सोसाइटी में होता है, तो वो आएगा, तो 10-11 बजे वो आएगा शुरू के दिन में. तो शुरू के दिन में वो आने के बाद फिर सेकेंड दिन और थर्ड दिन में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाएंगे, फर्स्ट दिन से लेकर थर्ड दिन तक. उसके बाद कुछ कुछ होता है, बहुत सारे रिचुअल्स. जैसे जितना भी वाइफ की फैमिली लोग को कुछ मिथुन दिया जाएगा, सुअर दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ऐसे जनरेशन्स टू जनरेशन्स होता है. तो जैसे हस्बैंड भी अपने मम्मी का, मामा का बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. और जो रे में जितना भी हस्बैंड का दीदी, बहन, आंटी लोग, उसको कुछ पैसे कुछ नाम पे दिया जाता है. उसका रिटर्न में वो लड़का जो फिश या रेड को जो ड्राई करके उसको रिटर्न में देना पड़ता है. बहुत सारा नियम है, पता नहीं, तो इतना ब्रीफली तो मैं भी नहीं जानती. मेरी मम्मी लोग जानते हैं कि फर्स्ट डे में ऐसा होना चाहिए, सेकंड डे में ऐसा होना चाहिए, थर्ड डे में ऐसा होना चाहिए, फोर्थ डे में, लास्ट डे में तो वही मुर्गी काट के खाया जाता है. और कुछ कुछ नियम है, लेकिन इतना ब्रीफली मैं नहीं जानती. सो बने रहिए वीडियो पे, आपको ले चलूँगी स्ट्रिक्ट आनीमी न्यू इंदोलेंड विलेज. ओके आज आधा सो हो रहा है. ये 5 दिन से पहले आधा सो करना पड़ता है. तो आधा सो करने के बाद आज में चांगवांग बनाया जाएगा, जहाँ पे मीट टोकरी उकरी रखा जाएगा, उसको आधा सो बोलते हैं. और आज से जो भी मालिक होता है घर का, उन लोग को गेना मनाया जाता है. जैसे कपड़ा नहीं धोना है, लहसुन प्याज ये सब नहीं खाना है. खाना वाना बनाया, ये चांग को ही आधा सो बोलता है. ये चांग को आधा बोलता है. तो इसको आज बनाना है, 5 दिन पहले भी बना सकता है, 6 दिन पहले भी बना सकता है. तो ये आधा सो हो रहा है. चांग बनाना को ही आधा सो बोलता है. ये सब रे के लिए है. कितना केस होगा ये पता नहीं. 2-3 गाड़ी है. ये कोई बियर है, ये जूल पूरा हां ना आते हैं, ये भी जूल है, ये भी जूल तो बोला तो लगा, ये रोक्सी ऐसे ना, ये हेयर लोकल अप्रू जूल,
में सब लोग के लाभ। अब चंग हो गया है कंप्लीट। खाने वाला है खाना। आधा सो के बाद खाना बांटा जा रहा है। आधा सो का दिन का पार्टी। इसमें आपूंग डाल के दिया जाएगा चूमा। इसमें लोकल अपूल लोकल वाइन को यहाँ पे डाल के दिया जाएगा। ये जितना भी दीदी बहन आंटी लोग जो भी लड़की लोग है उसको कुछ पैसा देता है या तो मिथुन देता है जो भी कुछ भी देता है ना उसको रिटर्न में ये फिश दिया जाता है रेड दिया जाता है और बर्ड को सुखा के दिया जाता है। जैसे कि ये फिश है ड्राई फिश। ये चिड़िया तो आज रे होने वाला है का 6 बज रहा है। प्रीस लोग बामुनी लोग आएगा 11 बजे तरफ में आएगा 12 बजे के आसपास में आएगा होगा। तो सब मिथुन लोग यहाँ में बांध के रखा हुआ है ये लोग को काटेगा आज। बहुत सारा मिथुन है अराउंड 15-16 मिथुन बांध के रखा हुआ है। आप रेडी है एम मेहता लिखने के लिए आगे लिखने के लिए सब। ये है अकाउंटेंट। ये क्या बोलेगा इसको हेल्पर डिस्ट्रीब्यूटर। ये जितना भी मीट है ना सबको बांटा जाएगा। जो भी दीदी बहन लोग आता है उन लोग को जो पैसा देता है उन लोग को देना पड़ेगा। अभी सब काम शुरू हो गया है। लड़की लोग खाना बनाने के लिए स्टार्ट। ये मेरा दीदी यहाँ पे सुअर रखा गया है। रेखा अकाउंटेंसी। तो रेडी।
तो के लापू ठीक है हां 25 का कर ला तो तमो मैं मेरा वो प्रभाव वो पाए इसकी वो मां तो मां पता नहीं ना अली आओ आओ दिया से बजे प्रीस्ट आ गया है ये है बमुनी ये है प्रीस्ट बमुनी आया हुआ है ये चौकीदार यहाँ में चौकीदार लोग भी बमुनी का साथ जो आने वाला है उसको कहता है इगोलो ये है इगोलो डाम लेके जा रहे मेरा मम्मी और भैया है ये मेरा मम्मी है ये मेरा भैया है पैसा कलेक्शन है जो भी दीदी बहन लोग होते हैं आंटी लोग होते हैं यहाँ में आके पैसा देते हैं लंच टाइम इधर आओ इवनिंग डिनर टाइम accountant ini abu na apa sab khana ke liye wait kar raha hai ye patta hai is patte mein khayenge sab log evening time main press Oh, yeah.
ये लोग सुअर का चेस को खाता है और ये रिश्तेदार लोग को दिया जाता है। ये है मामा जी। ऐसे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी और सिप्रा मेलो और ड्रिंको मिलेगा। क्या बोलता था, इलिठुंगा। इलिठुंगा मतलब सुअर का चेस को खाया जाता है ना, तो वो जो है बहुत इज्जत के साथ दिया जाता है। ऐसे मिलेंगी, ये लोग इलिठुंगा खा रहा है। इलिठुंगा खा रहा है मतलब ये लोग जो है सुअर का चेस को खाता है और रेस्पेक्टेड एक इज्जत के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अयाली, नेक्स्ट मॉर्निंग सेकेंड डे। थर्ड डे तन घोसी दे बाबा। अम्मा मैं अच्छा खून जान जाना रहा और जो आप को गया जाना और जो जो मांगा खा रहा है गिजा ला मां मुझे ला मां इला नंसिन देव बिना कानी मोदी गाने अरे लपत में तो पता नहीं को पाना बोलो ना वो है मिथुन बन रहा है तब तक ला रहा है छोड़ी जा रहे अरे 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 हेलो का हीरोइन आरु जो का हीरोइन आलो का हीरोइन रोहिंग का हीरोइन ये चेता का हीरोइन पिक कलेक्शन आज पैसा देना है तो रिश्तेदार लोग को पैसा दिया जाए। लड़का का बच्चा आज सेकेंड दिन में सबसे ज्यादा मिथुन और सुअर काटा जाएगा। ये सब सुअर है और सब मिथुन का माथा। हेलो
Here, Adaka. Yeah, Adaka. Three, start, go, go, go. Many amis. ये मेरा दोस्त आधा सौ से लेके आज रहेगा सेकेंड दिन है। आठ दिन में इन दो मेलो पहली बार कुछ काम कर रहा है, वो भी किसी का सपोर्ट लेके आ रहा है। लेके आज सेकेंड दिन का है रहेगा, आठ दिन में ये पहली बार कुछ कर रहा है तो शक्ल तो बनता है भाई। आज थर्ड डे है। आपाली दीदी कह रहे हैं तो इसको आपाली बोला जाता है। आज थर्ड डे है तो आदमी इतना नहीं है, लड़की लोग खाना बना के कंप्लीट। ये सब आलो का हीरोइन। कल तो मिथुन सब काट लिया है, इसलिए आज ये सब पका के रख दिया है। आज में सिर्फ सुअर काटा जाएगा, आज थर्ड डे है तो इसलिए सो ये सब सुअर काटेगा अभी। अभी तो कचरा साफा किया जा रहा है, निकाल के फेंकते जाओ। पहाड़ की ओर फेंका जा रहा है अभी सब कचरा। बोस्ता प्रॉब्लम
अरे कहाँ में था वो लो कचरा 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 अभी सब सब पकड़ना पड़ेगा ये सब कचरा ये वाह ये तो बहुत अच्छा कर रहा है I'm going to go to the house. आज अनुरूपु है अनुरूपु में इस तरह से कुछ किया जाता है अनुम्यालो उसका नाम ही है आ ये मैं भैया बामुनी का आज लास्ट डे है ये मेरा बहन लेकिन गर्म होने के लिए वो गिर जाएगा क्यों चाहिए था हमको पसंद था मौका मिला है तो आज बोलेगा क्योंकि बहुत दिन से आज लास्ट डेट है ना बामुनी का कल भी थोड़ा मुड़ा होगा लेकिन वो बामुनी चला जाने के बाद ही होगा तो आज हम थोड़ा ये बजा के दिखाएगा क्योंकि बहुत आदमी था तो बिजी था ना हम कुछ भी नहीं वीडियो नहीं बना पाए दूसरों का थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया वो लोग अपलोड कर दोगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ओके ये हमारा नाव और ये पीछे वाला भी मेरा ही नाव है और ये बड़ा दीदी ये मेरा नानी और ये भी दीदी और ये भी दीदी है आम बताओ सब गन में तो आए प्राण है दीदी सो 5-6 घंटा लोपा ऐसे जाओ ना बाप सो
और ये वो मालकिन है अभी सबसे पिछवाड़ा में घर वाला वो मालकिन है सब अभी लास्ट यहाँ पे लास्ट पूजा होगा और ये आज लास्ट बामनी होगा कल भी होगा लेकिन कल बस ऐसे डिस्पर्स के लिए नियम के लिए होगा तो आज ये कह रहा सबसे लास्ट दिन है बमुनी का इसलिए आदमी बहुत कम थी है वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला है आपको छाना जा रहा है अभी बांटने के लिए पहले बहुत ज्यादा आदमी था तो इसलिए हमको छानना नहीं पड़ा था अब जो आदमी चला गया सब अभी छानना पड़ा ऐसा छाना जाता है ऐसा करके अरे दारू बंद करो आ जाओ महंगा तो आज ही खाने मिल रहा है कितना दिन से खाने नहीं मिल रहा था वो बस्ती को पार करके मेरा बस्ती जाएगा ऐसा करके इसको कहता है आखिरी रास्ता इसका काम ही है सिर्फ पत्ता बांटना क्योंकि पत्ता सबसे हल्का होता है 5 दिन का रे में सिर्फ इसको ये करते हुए देखा पत्ता बांटते हुए और एक बस्ता चावल भुगते हुए देखा और कुछ नहीं किया इसने इसलिए इसका हाथ देखो सबसे सुंदर इसका हाथ है सबसे थापा बेइज्जती हो गया मेरा देखो ये है काम करने वाला का हाथ ये हाथ से धल छान छान के पिलाई है सब मजबूरी है ना तो ये हाथ से तो छानना पड़ेगा ठाकुर ने ये हाथ दिए तो ये से छानना पड़ेगा अभी दारू पीकर खिंबू तो होके जा रहा है ये हाथ का गंदा है लास्ट खाना पटा जा रहा है कल से सब लोग अपना अपना घर खाएगा कोई यहाँ नहीं खाएगा ओए अनुनु इसको कहते हैं अनुनु अभी 4 दिन का रेमे फर्स्ट टाइम अनुनु ले रहे हैं हम तो खाया भी नहीं काम में बिजी था अच्छा से खाओ थैंक यू ये स्पेशल गेस्ट है इसलिए ये बियर नहीं पीता सिर्फ ये पीता ये भी कुछ महीना कुछ साल के बाद तो रे होने वाला है लास्ट वर्क काटा जा रहा है अभी इसके बाद तो बामुनी आज 11:30 में खत्म हो जाएगा तो कल तो थोड़ा सा नियम सा कुछ ना कुछ मुर्गी काटा जाएगा तो
सुअर का दांत। लास्ट एक दुए कौन जीतता है, कौन हारता है, उनके लड़ रहा हूँ। कब किस खत्म हो गया बोलो? इसमें मुर्गी का माथा को ऊपर में लटका दिया गया है, देखते हैं रात को दिखाई देता है कि नहीं देता है। ये है मुर्गी का माथा। ये लास्ट पार्ट है ईगू का, लास्ट पार्टी खा जा रहा है अभी। इसको ईगुआपा बोलता है, ये तो बामुनी के लिए सब लोग खा रहा है। इतना ही हो गया, ये तो नहीं खा रहा है, ये तो सिर्फ पी रहा है। एक पहाड़ा ही आ जाए। ये है मुर्गी का माथा। अच्छा, ये तोनू है सबसे ज्यादा, ऐसा करके रखा जाता है, इसको आपो बोलता है। आज ए तोनू, ए तो मतलब मुर्गी, तो मुर्गी खा जाएगा। ए तोनू बोलते है सिर्फ मुर्गी खाया जाएगा, यहाँ में मुर्गी काटा जा रहा है। अभी सब लोग जाने के लिए फोटो सेशन चल रहा है। आ खींची मेनू मिसी बजे नहीं पीछे तांदो नल्ले सीधा खाना ना नल्ले ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो इतना डिटेली तो नहीं कर पाया क्योंकि काम में बिजी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।